Another step and I'm... Like the real world. वेलकम डियर रॉकर्स, स्वागत है आपका ब्लाइंडनेस मूवी में। तो इस मूवी की शुरुआत में एक शहर का शांति से चलता हुआ दिन दिखाया जाता है, तभी अचानक हुए ट्रैफिक जैम की वजह से रोड पर लोगों के बीच हल्ला गुल्ला शुरू हो जाता है। एक व्यापारी ने अचानक किसी वजह से अपनी गाड़ी रोड के बीचों बीच रोक दी है। वो बेचारा अचानक ही अंधा हो गया है और कुछ देख नहीं पा रहा है। कुछ लोग उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक आदमी बोलता है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। हालांकि जैसे ही वो लोग व्यापारी के घर के पास पहुँचते हैं और व्यापारी अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है, तो मदद करने के बहाने आया वह आदमी उस बेचारे व्यापारी की गाड़ी चुरा लेता है। अब व्यापारी बाहर अकेला भटक रहा है, लेकिन वहाँ दोबारा वही चोर आता है। वो चोर ऐसी एक्टिंग कर रहा है जैसे कि वो कोई नया आदमी है जो व्यापारी को उसके घर तक पहुंचाने में मदद करना चाहता है। चोर बोलता है, मैं आपका ध्यान रखने के लिए रुक जाता हूँ। अब की बार व्यापारी चोर के जाल में नहीं फंसता है। वो अपने घर पहुंचते ही उस चोर को बाहर निकाल देता है। कुछ घंटों बाद व्यापारी की पत्नी घर पहुंचती है और जैसे ही उसको अपने पति के अंधा हो जाने के बारे में पता चलता है, वो व्यापारी को आंखों के डॉक्टर के पास लेके जाती है। अब जैसा कि आपातकालीन केस है, इसलिए बाकी सभी से पहले व्यापारी को डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है। फिर डॉक्टर काफी सारी मशीन्स को इस्तेमाल करके व्यापारी की आंखों की जांच करता है, लेकिन बदकिस्मती से व्यापारी की आंखों में किसी चोट या बीमारी के निशान नहीं दिखाई देते। इसलिए डॉक्टर सोचता है कि ये दिमाग में हुई किसी समस्या की वजह से हुआ होगा। डॉक्टर ने पहले कभी ऐसा कुछ भी होते हुए नहीं देखा और ना ही ऐसी किसी बीमारी को सुना है, लेकिन फिर भी वो व्यापारी को बोलता है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा और वहाँ से कुछ टेस्ट करवाने होंगे। अब व्यापारी और उसकी पत्नी के चले जाने के बाद डॉक्टर अपने बाकी मरीजों को देखता है, जिसमें एक बच्चा, एक चश्मे वाली औरत और आंखों पर पट्टी लगाया हुआ एक आदमी है। इस सब के दौरान व्यापारी की गाड़ी चुराने वाला चोर गाड़ी को पुलिस वालों से बचाते हुए चलता जा रहा है, लेकिन मजबूरी में उसको भी गाड़ी को रोकना पड़ जाता है, क्योंकि अब वो चोर भी कुछ भी देख नहीं पा रहा है। वो मदद के लिए पुलिस के पास पहुंच जाता है। एक पुलिस वाला चोर को लेकर चोर के घर पहुंचता है, जहां चोर की पहली वाली पत्नी बोलती है, मैं इस आदमी को अपने घर में आने नहीं दूंगी। उसी शाम को वो चश्मे वाली औरत दिखाई जाती है, जो पहले डॉक्टर के क्लिनिक में दिखाई गई थी। अभी वो एक बार में है और वहाँ पर कुछ काम करने वाले आदमी से शराब मांगती है और उसके बाद अपने क्लाइंट के पास चली जाती है। उसके और उसके क्लाइंट की मीटिंग अच्छी जाती है, लेकिन सुबह होते ही चश्मे वाली औरत घबरा जाती है, क्योंकि अब उसको भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है और सब सफेद हो गया है। डॉक्टर अपने घर जाता है और अपनी सुंदर पत्नी के साथ रात खाना खाता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी अगली सुबह जागते ही डॉक्टर को पता लगता है कि वो भी कुछ नहीं देख पा रहा है। वो हॉस्पिटल में कॉल करके बताता है कि शायद किसी इन्फेक्शन की वजह से लोग देखने की शक्ति को खो रहे हैं। फिर उनके बात का विश्वास किया जाता है, क्योंकि अब डॉक्टर के पास आया छोटा बच्चा भी कुछ भी नहीं देख पा रहा है। और इस तरह जल्द ही पूरे शहर में बहुत सारे लोग अचानक अंधे होने लगते हैं, और इसलिए सरकार इसको रोकने के लिए अपना पहला कदम उठाती है। डॉक्टर के क्लिनिक को सरकार के लोगों ने बंद कर दिया है और साथ ही डॉक्टर को भी सभी लोगों से अलग करके रखा हुआ है। डॉक्टर की पत्नी अपने पति से दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती है, इसलिए वो झूठ बोलने का तय करती है। वो ऐसा दिखावा करती है जैसे उसको भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ताकि वो अपने पति के साथ रह सके। फिर दोनों को एक खाली पड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल पूरी तरह से खाली पड़ा है। वहाँ उन लोगों के साथ डॉक्टर्स भी नहीं रुकने वाले हैं। हॉस्पिटल के सभी वार्ड में एक फोन रखा गया है, ताकि उसको इस्तेमाल करके सिक्योरिटी गार्ड से बात की जा सके। साथ ही हर एक वार्ड की जिम्मेदारी एक इंसान को दी जाएगी और वही इंसान किसी आपातकालीन स्थिति में फोन का इस्तेमाल कर सकता है। जल्द ही उस हॉस्पिटल में और भी लोग आने लगते हैं, जैसे कि वही चोर, चश्मे वाली औरत, बच्चा और बेचारा व्यापारी। डॉक्टर और उसकी पत्नी तय करते हैं कि वो डॉक्टर की पत्नी की देखने की शक्ति का किसी को नहीं बताएंगे। डॉक्टर की पत्नी फिर सभी में ये बात फैला देती है कि जब से हम यहाँ पर आए हैं, तब से मैंने इस जगह को अच्छे से समझ लिया है और सभी जगहों पर जाने के रास्ते को याद भी कर लिया है। ऐसा करने से वो सभी लोगों की मदद कर पा रही है, जैसे कि वो लोगों को बाथरूम तक पहुंचाने में मदद करती है। पहली बार कमरे से जाते हुए चोर चश्मे वाली औरत के पीछे पीछे चल रहा होता है और वो औरत को इधर उधर टच करने लगता है, जिसके जवाब में चश्मे वाली औरत चोर की टांगों पर लात मारती है और उस औरत की हिल की वजह से चोर को काफी गंभीर चोट भी आई होती है। इसलिए डॉक्टर और उसकी पत्नी मिलकर चोट को एक शर्ट से पट्टी कर देते हैं, क्योंकि वहाँ इलाज करने के लिए कोई चीजें नहीं होती है। अब बाद में दिखाते हैं तो डॉक्टर की पत्नी सो नहीं पा रही है। वो सोच रही है कि चोर के पैर पर लगी चोट से इन्फेक्शन मेरे तक भी पहुंच गया होगा और मैं भी सुबह तक अंधी हो जाऊंगी। फिर डॉक्टर अपनी पत्नी का मूड बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी चिंताओं को कम करने के लिए वो बाहर घूमने चली जाती है। अगली सुबह हॉस्पिटल में और भी लोग आ जाते हैं। व्यापारी की पत्नी भी वहाँ पर आ गई है और दोनों मिलते हैं, लेकिन छोटा बच्चा उदास है, क्योंकि अभी तक उसकी माँ वहाँ नहीं आई है।
डॉक्टर और उसकी पत्नी हॉस्पिटल के गार्ड से मदद मांगते हैं ताकि वो चोर की टांगों का इलाज कर सके, लेकिन पहरा दे रहे गार्ड उनकी मदद करने की जगह डॉक्टर और उसकी पत्नी की तरफ बंदूकें तान कर खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर और उसकी पत्नी को वापस जाना पड़ता है। कुछ समय बाद उनके लिए खाने का पहला डब्बा आता है। वो खाना इतना गंदा होता है जैसे कि एक जेल की कैंटीन का हो। खाना भी सभी लोगों के लिए काफी नहीं है। अब डॉक्टर की पत्नी फोन का इस्तेमाल करती है ताकि वो खाना और फर्स्ट एड को मंगवा सके, लेकिन कोई उसकी कॉल नहीं उठाता, इसीलिए वो काफी सारे वॉइस मैसेजेस को छोड़ देती है। अब हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन हर एक गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा लोग हॉस्पिटल आ रहे हैं। डॉक्टर की पत्नी सभी वार्ड में एक रस्सी बांध देती है जिसकी मदद से लोग खुद से इधर उधर जा सके। साथ ही डॉक्टर को वार्ड फर्स्ट का प्रतिनिधि बना दिया गया है, लेकिन जल्द ही सभी लोगों को नियमों के साथ चलना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि वहाँ सभी लोग आते हैं, इसलिए लोग बिना चिंता के घूम रहे हैं। वो ना तो कपड़े पहनते हैं और हॉल के बीच में ही पेशाब कर देते हैं। व्यापारी अपना मूड अच्छा करने के लिए अपनी पत्नी के साथ पुराने दिनों की बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी तो अच्छे दिनों के बारे में सोच भी नहीं पा रही है। अब एक दोपहर को डॉक्टर की पत्नी को पता लगता है कि आंखों पर पट्टी बांधने वाले आदमी के पास एक रेडियो है जिसको वो सभी से छुपकर सुन रहा होता है। डॉक्टर की पत्नी उस आदमी को मनाती है कि हॉस्पिटल से बाहर चल रही सभी चीजों के बारे में सभी को बताए, क्योंकि सभी ये जानने के लिए बेताब है कि वहां हो क्या रहा है। आंखों पर पट्टी लगाए वह आदमी बताता है कि बाहर ज्यादातर जगहों पर यह बीमारी फैल गई है। मुझे बाहर चल रही कुछ चीजों के बारे में पता है, जैसा कि शुरू के 24 घंटों में 100 के करीब लोग बीमार हुए थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने अंधे हो चुके लोगों को हॉस्पिटल में भेज दिया है और बाकी के इंसानों को अपने घरों में रहने को बोला है। अब पूरी दुनिया के लोग देखते हैं कि बहुत सारी आंखों के डॉक्टर्स मिलकर मीटिंग करते हैं, लेकिन उस मीटिंग के दौरान सभी डॉक्टर्स का कहना था कि यह सब चल क्या रहा है, हमें इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। जल्दी डॉक्टर्स में भी अंधे हो जाने की बीमारी फैलने लगती है और साथ ही बीमारी दूसरे देशों तक पहुंच जाती है। अब कुछ समय बाद लोग घरों में बैठे बैठे थक गए हैं, इसलिए वो बाहर जाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सभी जगह सेना को तैनात किया हुआ है और नियमों का पालन न करने वालों को जेल में डाल दिया जाता है। शहर में पूरी तरह से तबाही शुरू हो गई है, क्योंकि बार बार अंधे होने से बहुत सारी गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं और यहाँ तक कि हवाई जहाज भी जमीन पर गिरने लगते हैं। सभी लोग बहुत डरे हुए हैं, इसलिए सभी अपने अपने घरों में रहना सुरक्षित समझते हैं। इसीलिए अब शहर बिल्कुल सुनसान पड़े हैं और सरकार भी इस सब के बारे में ज्यादा नहीं सोच पा रही है, क्योंकि वो खुद भी अंधे हो गए हैं। कुछ दिनों बाद बहुत सारे अंधे हो चुके इंसानों को हॉस्पिटल लाया जाता है। एक सैनिक एक आदमी को लाइन से बाहर निकलने के लिए गोली मार देता है और ऐसा करके वो दिखाना चाहते हैं कि कोई गलती करेगा तो उसको खत्म किया जाएगा। गोली के चलने की आवाज से लोगों में बड़ी हड़बड़ी मच जाती है। सभी लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए दरवाजे तोड़ते हुए अंदर जाने की कोशिश करते हैं। सबसे बुरा तो ये होता है कि कोई भी सैनिक उस मरे हुए आदमी की लाश हटाने के लिए नहीं आता। डॉक्टर की पत्नी सोचती है कि हमें उस लाश को खुद ही दफनाना होगा, इसीलिए वो सैनिकों के पास बेलचा मांगने जाती है और बिना अपनी जगहों से हिले सैनिक बेलचा को मैदान के बीच फेंक देता है। अब जैसा कि डॉक्टर की पत्नी अभी भी अंधे होने का नाटक कर रही है, इसलिए वो सैनिकों से रास्ता पूछती है, लेकिन सैनिक उसको गलत रास्ता बताते हैं और बेलचा मिलते ही वो सैनिकों को बीच की उंगली दिखाती है। इसके दौरान डॉक्टर बाकी वार्ड्स के प्रतिनिधियों से बात करता है कि हमें बाहर पड़े आदमी की लाश को दफनाना होगा। वो साथ ही बताता है कि दो और लोगों को गोली लगी है और कोई ऐसा वार्ड भी है जो बाकी वार्ड से ज्यादा खाना ले रहा है। अब बार में काम करने वाला आदमी बोलता है, मैं डॉक्टर की बकबक सुनकर तंग हो गया हूँ, इसीलिए अब से वार्ड 3 का मैं राजा हूँ। वो बोलता है, मैं अपना पहला निर्णय ये लेता हूँ कि हमारे वार्ड वाले जितना चाहें उतना खाना खा सकते हैं और हम लाशों को दफनाने में कोई मदद नहीं करने वाले। दूसरी तरफ डॉक्टर की पत्नी चोर के पास जाती है जिसको चोट लगने की वजह से काफी ज्यादा बुखार भी हो गया है। वो चोर के साथ अच्छे से व्यवहार करने की कोशिश करती है, लेकिन चोर बेचारे को डराते हुए धमकाता है, मुझे पता है तुम अंधी नहीं हो, तुम सब कुछ देख सकती हो। अब ये बात सुनकर डॉक्टर की पत्नी भागते हुए अपने पति के पास जाती है और रोने लगती है। वो चोर भी अपना दर्द और ज्यादा सहन नहीं कर पा रहा है और वो ऐसे दर्द के साथ नहीं मरना चाहता, इसलिए वो खिसकता हुआ बाहर जाने लगता है और वहाँ फौजी उसको गोली मार देते हैं। डॉक्टर की पत्नी को इस बात का बहुत बुरा महसूस होता है, इसलिए वो सोच रही है कि क्या मुझे सभी को सच बता देना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से उसको डॉक्टर मना कर देता है और बोलता है, हमारा रिश्ता पति पत्नी से ज्यादा एक नर्स और डॉक्टर का हो गया है। कुछ समय बाद एक अकाउंटेंट की मदद से बारटेंडर को वहाँ का ऑफिस मिल जाता है। वो अकाउंटेंट वार्ड 3 में रह रहा है और वो तो पैदा होने के समय से ही अंधा है। इसका मतलब यह है कि उसको ऐसे अंधों की तरह रहने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ऑफिस में रखे माइक और स्पीकर की मदद से बारटेंडर बोलता है, अब से मैं इस पूरे हॉस्पिटल का राजा हूं और सब कुछ मेरे हिसाब से ही चलेगा। वो साथ ही बोलता है कि मैं यहां रहने का पहला नियम बताने जा रहा हूं, खाने के लिए सभी को पैसे देने होंगे। इस नियम को सुनके कोई भी खुश नहीं होता और जल्दी वहां पर उथल पुथल मच जाती है। खाने को रखने वाले जगह पर बुरे हाल है, क्योंकि खाना पीने के लिए सभी लोग लड़ाई कर रहे हैं। तभी बारटेंडर अपना खुफिया दाव खेलता है। वो अपनी एक बंदूक बाहर निकालता है जिसको वो चुपचाप हॉस्पिटल आते समय लेके आया था। वो गोली चलाता है और सभी लोगों को वापस उनकी जगहों पर भेजकर खाने वाले कमरे पर कब्जा कर लेता है। वो बोलता है, हम खाने वाले कमरे पर दिन रात नजर रखेंगे और अगर कोई भी हमारा खाना चुराने की कोशिश करेगा
वो मेरी गोली का शिकार बन जाएगा। कुछ लोग इस बात को माना नहीं चाहते, लेकिन किसी ऐसे से दुश्मनी करना भी सही नहीं रहेगा जिसके पास एक खतरनाक हथियार हो। फिर डॉक्टर की पत्नी अपने वार्ड के लोगों से चीजें इकट्ठा कराना शुरू करती है। वो शादी की अंगूठियां, गहनों से लेकर लोगों की जेब में मिलने वाली सभी छोटी बड़ी चीजों को इकट्ठा करते हैं। हालांकि डॉक्टर की पत्नी को एक औरत के बैग से कैंची मिलती है और वो उसको अपने पास रख लेती है। छोटे बच्चे के पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसीलिए चश्मे वाली औरत उसकी माँ बनने का तय करती है और वादा करती है कि अब से मैं इस छोटे बच्चे के पैसे दिया करूंगी। फिर खाने वाले कमरे में अकाउंटेंट अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए खाने को छू रहा है और ऐसा करके वो अच्छे खाने और बुरे खाने को अलग कर रहा है। बारटेंडर ये नहीं देख रहा है कि किसका दिया सामान कितना महंगा है। वो सभी वार्ड को खाने के दो डब्बे पकड़ाता है। जो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा वो उसको धमका देता है। काफी सारे लोगों को तो एक इंसान का खाना बांटकर खाना पड़ रहा है। अब डॉक्टर अपने आप में ही रहने लगा है। उसको लग रहा है कि वो अपने वार्ड को संभाल नहीं पाएगा और असफल हो गया है। अब चश्मे वाली औरत डॉक्टर को अच्छा महसूस कराने के लिए उसके पास आती है और बोलती है, तुम एक बंदूक के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हो। अचानक दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं और वो जमीन पर ही शुरू हो जाते हैं। जब उनका ये काम खत्म होने वाला होता है तभी डॉक्टर की पत्नी वहां आकर सब कुछ देख लेती है। अब बात को बड़ा बनाने की जगह वो चश्मे वाली औरत से बोलती है, मुझे सब कुछ दिखाई देता है लेकिन तुम इस बात को किसी को मत बताना। लेकिन वो साथ ही साथ बोलती है कि मेरे पति से दूर रहना। अब एक हफ्ते बाद जब सामान और खाने के बदले किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है, बारटेंडर बोलता है, हम लड़कियों और औरतों के साथ सोएंगे और उसके बदले में खाना देने को तैयार हैं। इस वजह से डॉक्टर की पत्नी बाहर जाती है और सिपाहियों से पूछती है, हमें बाकी का नया राशन कब दिया जाएगा। जबकि जवाब में बताया जाता है कि हमारे पास जितना भी राशन था हमने सब कुछ तुम्हें दे दिया है, अब तुम लोग उसको कैसे बांटोगे वो तुम खुद ही देखना। यहाँ वार्ड वन में बात चल रही है कि उन्हें खाने के लिए अब क्या करना चाहिए। तभी डॉक्टर बीच में बोलता है, हम तय नहीं करेंगे कि कोई औरत बारटेंडर के पास जाएगी या नहीं। जो औरत जाना चाहती है वो खुद जा सकती है, इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी और ना ही किसी औरत के बारे में गलत सोचा जाएगा क्योंकि ये सब मजबूरी में किया जा रहा है। काफी देर सोचने के बाद एक औरत ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ और औरतें भी मान जाती हैं, जैसे कि डॉक्टर की पत्नी और चश्मे वाली औरत। व्यापारी नहीं चाहता कि उसकी पत्नी ऐसा करे, लेकिन उसकी पत्नी बोलती है, जब सभी को मजबूरी में यह करना पड़ रहा है तो मुझे भी करना पड़ेगा, और ऐसा बोलकर वो चली जाती है। अकाउंटेंट औरतों को लेने आता है और उनको खाने वाले कमरे में लेकर जाता है, जहां उन औरतों को अपनी जिंदगी की सबसे बुरी रात देखनी पड़ती है। वो आदमी इतने दुष्ट और खतरनाक है कि उनमें से एक आदमी इतना बुरा करता है कि जिसकी वजह से एक औरत मरी जाती है। अगली सुबह डॉक्टर की पत्नी बाहर आती है और बोलती है, कोई अंदर जाओ और वहां से खाने के डिब्बे उठा लाओ। उसने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि वे सभी औरतें एक लाश को अपने साथ उठाकर ला रही हैं। वो उस औरत की साफ सफाई करके उसको अच्छा अलविदा करना चाहते हैं क्योंकि वो उसका अधिकार रखती है। बाद में उस दिन अकाउंटेंट बाकी वार्ड में जाकर पूछता है, क्या कोई और औरत भी खाने के बदले हमारे साथ सोने को तैयार है। अकाउंटेंट तो कुछ ज्यादा ही हिम्मत वाला है क्योंकि इतना सब होने के बाद भी वो वार्ड वन में जाता है और औरतों के काम के लिए शाबाशी देता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि उसको पता ही नहीं है कि पिछली रात के दौरान वार्ड फर्स्ट की एक औरत मर गई थी। इसलिए डॉक्टर की पत्नी ये बात अकाउंटेंट को बताती है और अकाउंटेंट ये बात सुनकर कुछ बोल ही नहीं पाता। और अब इन सभी मुसीबतों की वजह से डॉक्टर की पत्नी हार मान जाती है और वो अपने साथ कैंची लेकर खाने वाले कमरे में पहुंचती है। वहाँ सभी लोग वार्ड 2 की औरतों में काफी मशरूफ होते हैं। अब बिना किसी झिझक के डॉक्टर की पत्नी बारटेंडर को कैंची से मार देती है और जल्द ही वहाँ की औरतों को अपने साथ बाहर भगा देती है। इसके दौरान अकाउंटेंट को समझ आने लगता है कि वहाँ पर चल क्या रहा है, इसलिए वो बंदूक निकालकर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उसके सभी निशाने चूक जाते हैं। डॉक्टर की पत्नी बाहर जाते हुए बोलती है, अगर तुम लोग खाना देना शुरू नहीं करोगे तो तुम्हारे और भी लोग मारे जाएंगे। डॉक्टर को डर लगने लगता है कि इसकी वजह से लड़ाई शुरू हो सकती है और बिल्कुल वैसा ही होता है। वार्ड 3 खाना तो दे नहीं रहा है, साथ ही उन्होंने वहां जाने का रास्ता भी बंद कर दिया है। अब वार्ड 1 तय करता है कि वो अपना सामान वापस पाने के लिए लड़ाई करेंगे। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, एक और औरत वार्ड 3 के आदमियों से बदला लेने के लिए तैयार होती है और पता लगता है कि उस औरत ने अभी तक अपने जेब में एक लाइटर छुपा कर रखा हुआ है। वो चुपचाप वार्ड 3 में जाती है और वहां पर आग लगा देती है और आग की लपटें बहुत तेजी से फैलती है और कुछ आदमियों को जला देती है। अब इससे पहले कि और नुकसान होता, डॉक्टर की पत्नी सभी लोगों को अपने पीछे पीछे बिल्डिंग से बाहर लेके जाती है। हैरानी की बात तो यह होती है कि उन लोगों पर कोई भी गोली नहीं चलाता। देखने पर पता लगता है कि वहाँ कोई सिपाही नहीं है और बाहर जाने के दरवाजों पर भी ताला नहीं लगा हुआ है, जिसका मतलब साफ है कि वो अब अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं और पूरी तरह से आजाद है। डॉक्टर, उसकी पत्नी, छोटा बच्चा, चश्मे वाली औरत, आंखों पर पट्टी लगाए आदमी, व्यापारी और व्यापारी की पत्नी, ये सभी एक साथ रहने का तय करते हैं और शहर की तरफ जा रहे होते हैं। वहां पहुंचकर उनको पता लगता है कि सारा समाज तबाह हो गया है। पूरे शहर की हालत ऐसी लग रही है जैसे कि किसी बड़ी आपदा के बाद तबाह हो चुकी जमीन लगती है।
कुछ लोग बचे हैं जो कि जिंदा रहने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिचुएशन तो ऐसी है कि अगर किसी को पता लग रहा है कि उस दूसरे बंदे के पास खाना है तो वो लड़ने को तैयार है। यहाँ तक कि कुछ लाशों को तो जानवर भी खा रहे हैं। अब डॉक्टर और उसकी पत्नी अपने साथियों को एक शराब के बार में छुपाकर चले जाते हैं और खुद दोनों पास वाली मार्केट में खाना ढूंढने जाते हैं। वहां पर बची कुची चीजों पर लोग पागलों की तरह झपट्टा मारते हैं, लेकिन जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब की पत्नी देख सकती है, उसको नीचे जाने का रास्ता मिलता है जहाँ कमरों में खाना संभाल कर रखा जाता है। अब दूसरी तरफ डॉक्टर कुछ कपड़ों को इकट्ठा करता है। कुछ बैग्स को खाने से भरने के बाद डॉक्टर की पत्नी बाहर जाने लगती है, लेकिन लोगों को बैग्स के रखे सामान की आवाज आ जाती है और इसीलिए उसका सामान चुराने के लिए लोग उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन किस्मती से डॉक्टर ये सुन लेता है और अपनी पत्नी की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। वो सभी लोगों को धकेलता है और खुद अपनी पत्नी और लोगों के बीच दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। वो दोनों जल्दी बिल्डिंग से बाहर पहुंचते हैं। जैसे वो कुछ दूर पर पहुंचते हैं तो डॉक्टर की पत्नी अपने आप को संभालने के लिए थोड़ा समय लेती है और इसके दौरान ही डॉक्टर अपने इकट्ठा किए हुए कपड़े उठा लेता है। तभी एक प्यारा सा कुत्ता डॉक्टर की पत्नी के पास आता है और उसके साथ दोस्ती करने लगता है। अचानक वहां पर बारिश भी होने लगती है और इसको देखकर सभी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर की पत्नी कुत्ते को अपने साथ एक चर्च में लेके जाती है और अपने पति का इंतजार करती है। चर्च में काफी भीड़ भाड़ है और वहां के सभी पुतलों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, लेकिन फिर भी एक पुजारी भगवान के लिए प्रार्थना करता रहता है। बाहर लोग बारिश के पानी को इकट्ठा कर रहे होते हैं और साथ ही अपने शरीर पर भी पानी से साफ कर रहे होते हैं। यहाँ डॉक्टर कपड़े लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और शराब के बार में रखे हुए अपने साथियों के पास पहुंच जाते हैं। उनके पीछे पीछे उनका प्यारा साथी कुत्ता भी घूम रहा है। सभी लोग खाना पीना खाते हैं और तय करते हैं कि वे वहीं रुककर अच्छे से आराम करेंगे। अगली सुबह वो सभी बाहर जाते हैं और डॉक्टर के घर में ध्यान से चलते हुए पहुंच जाते हैं। डॉक्टर बोलता है कि मैं सभी को अपने घर में रहने दूंगा। तभी से सभी लोग सभी इंसानों की तरह रहने लगते हैं और अब डॉक्टर की पत्नी की मदद से सभी मिलकर घर की सफाई करते हैं और डॉक्टर अपने कपड़े सभी के साथ बांट देता है। अब वो सभी तभी बाहर जाते हैं जब उनको खाना इकट्ठा करने की जरूरत होगी और बारिश होने पर वो पीने का पानी इकट्ठा करते हैं और तभी नहाते भी हैं। आंखों पर पट्टी लगाने वाला आदमी बोलता है, मैं अब से आप लोगों के साथ ही रहना चाहता हूँ क्योंकि अब आप लोग मेरा परिवार बन चुके हैं। अब व्यापारी की पत्नी भी अपने पति के साथ वापस घुलने मिलने लग जाती है। वो अपने पति के साथ पुरानी और अच्छी यादों के बारे में बात करती है। दूसरी तरफ हमारे डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी के बीच भी चीजें ठीक होने लगती है। जैसा कि अब उसकी पत्नी को कोई तनाव नहीं है, इसीलिए अब डॉक्टर के साथ मूड बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। कुछ हफ्तों बाद सभी नाश्ते के लिए तैयार बैठे हैं। तभी व्यापारी वैसे ही चिल्लाने लगता है जैसे वो अंधे होने पर चिल्लाया था। उसका अंधापन जा चुका है और अब वो सब कुछ देख पा रहा है। फिर सभी लोग जश्न मनाते हैं क्योंकि उनको महसूस हो गया है कि लोगों का शरीर इस बीमारी से लड़ सकता है और उनका अंधापन भी जल्दी ठीक हो जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। वैसे दोस्तों इस मूवी को देखकर तो समझ आ जाता है कि हमें अपनी आंखों को बहुत ध्यान से रखना चाहिए क्योंकि आंख हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है जिसके बिना सब कुछ अधूरा लगता है। आई होप दोस्तों आप लोग भी कुछ अच्छा सीख गया होंगे इस मूवी से। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, मूवी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।